मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जो अंदाजा लगाया जा रहा था वही बातें सामने आ रही हैं। जब एक निरंकुश शासक शासन करता है तो जनता सड़कों पर उतर आती है। लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही थी जनता, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और बल्कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर हमले भी हुए। जब प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया, उसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आए कि शायद उन पर कार्रवाई ना भी हो सके। पश्चिम बंगाल में ABVP RSS कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। सरकार की निरंकुशता देश को पीछे ले जाती है। जहां नागरिकों को तो प्रताड़ित किया ही जाता है, लेकिन देश कितना पीछे चला जाता है इस पर ध्यान नहीं दे रही है मौजूदा सरकार। हम बात कर रहे हैं इस दौरान विरोध प्रदर्शनों की। जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, लगातार सरकार उनकी निंदा कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री हैं जो, उन्होंने भी रामलीला से मैदान से दिल्ली के प्रदर्शनकारियों के हित में नहीं बोला। बातें वही की जो प्रत्यक्ष रूप से हो रही थी, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया। जहां उनके कई नेता प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तान चले जाओ इस तरह की बातें कर रहे थे, वही बातें नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह गए। जिस तरह उन्होंने पुलिस की तारीफ की, तो यह साबित होता हुआ नज़र आया कि हाँ, पुलिस की जो कार्रवाई है वह सही है। यदि किसी को गोली लगती है, वह मारे जाते हैं, तो यह सही है। इस दौरान शाहीन बाग, दिल्ली का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ प्रदर्शनकारी रात भर ठंड में बैठे रहे। जबकि कल आपको पता होगा कि पारा कितना गिर गया था, ठंड कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी तब भी सड़कों पर बैठे रहे। उन्हें चिंता है भविष्य की, अपने बच्चों के, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। और वह सोच रहे हैं कि उन्होंने तो ज़िंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन उनके बच्चे क्या डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? उनकी पूरी ज़िंदगी पूछताछ में ही बीतती रहेगी। इस संबंध में लगातार बैठे रहे शाहीन बाग के लोग। उन्होंने अब फैसला लिया है कि यदि पुलिस आती भी है, उन्हें जेल में भी डालती है, तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब वह जेल भरो आंदोलन करेंगे। यह किसी भी देश के लिए बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है कि वहाँ के नागरिक जो टैक्स भी भर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, वह जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दें। यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है किसी भी देश के लिए। अब यह जेल भरो आंदोलन की बात आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र, उन्होंने भी कहा था कि बिहार बंद के बाद जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। अब यह मुहिम शुरू हो गई है शाहीन बाग से। प्रदर्शनकारी उठ नहीं रहे हैं, रात भर बैठे रहे हैं। महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, सारे एक साथ शामिल हो गए हैं, सब एक ही मंच पर आ गए हैं। तो अब इस स्थिति में भारत को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं चलेगा। आप नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दे दें या ना दें, लेकिन यदि भारतीयता पर उंगली उठेगी, अस्तित्व पर उंगली उठेगी नागरिकों के, तो वह इस तरह से ही सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अब यह जेल भरो आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है, बिल्कुल आभास इस बात का हो रहा है कि यह पूरे भारत में फैल जाएगी। फिर आप कितनों को जेल में डालेंगे? अभी तो कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जब जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा तो पूरे भारत में यह आग फैल जाएगी और आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे? तो यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या फैसला लेना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को क्या फैसला लेना चाहिए। क्या वे धर्म और जाति की राजनीति पर ही आगे बढ़ेंगे? वोट बैंक ही उनकी एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है। इसके अलावा भारत की कोई समस्या पर वह ध्यान नहीं देंगे, रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे, और नागरिक जिस तरह परेशान हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस संबंध में आपकी क्या राय है? जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, क्या यह सफल होगी? क्या यह आवश्यक है या फिर यह एक गलत नीति है? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।